आ गई माँ। रैपंज़ेल, तुम ये हर दिन बिना हार माने कैसे कर लेती हो, समझ नहीं आता। तुम थक जाती होगी ना मेरे बच्चे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इतनी देर क्यों लगाए? ओ, मैं तो मजाक कर रही थी। कोई बात नहीं। तो माँ, आप जानती हैं कल का दिन बहुत ही खास है। आईने में तो देखो, जानती हो मुझे क्या दिख रहा है? एक काबिल, बेहद खूबसूरत और जवान लड़की खड़ी है ना। ओ, तुम भी यहाँ पे खड़ी हो। मजाक कर रही हूँ, मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत माना। नहीं तो, वैसे माँ मैं ये कह रही थी कि कल का दिन बहुत ही है। मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है। तुम मेरे लिए गाना गाओगी बेटा? हम बाद में बात कर लेंगे। ओ, हाँ जरूर माँ। खुल जाओ, फूल के जाओ, अपनी जादुई शक्ति दिखाओ, बीत गए चुप्पल उन्हें वापस ले आओ। रुको, भर दो जख्मी के जख्म, बदल दो खेल के सबका जख्मों के लगा दो, सब कुछ होता मेरा। रैपंज़ेल, तो माँ मैं ये कह रही थी कि कल बहुत ही खास दिन है, लेकिन आपने उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो मैं आपको याद दिला देती कि कल मेरा जन्मदिन है। टाटा। नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। मुझे अच्छी तरह याद है कि तुम्हारा जन्मदिन पिछले साल था। हाँ, यही तो खासियत है जन्मदिन की कि वो हर साल आते हैं। माँ, मैं 18 साल की होने वाली हूँ और मुझे ये पूछना था, इस साल मुझे मेरे जन्मदिन के लिए, वैसे मैंने काफी सालों से एक चीज़। सुनो सुनो रैपंज़ेल, बुदबुदाना बंद करो। तुम जानती हो मुझे बुदबुदाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बै, 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 मुझे इससे चिढ़ होती है। मैं मजाक कर रही हूँ, तुम बहुत ही प्यारी हो। वैसे मैं तुम्हें प्यार ना करती हूँ। मुझे वो उड़ती रोशनी देखनी है। क्या वो? वैसे मैं सोच रही थी कि आप मुझे उड़ती रोशनी दिखाने ले चलेंगी। ओ, तो तुम तारे देखना चाहती हो? यही तो बात है, तारे तो मैं रोज देखती हूँ माँ, पर वो अपनी जगह से हिलते ही नहीं, लेकिन वो रोशनी हर साल सिर्फ मेरे जन्मदिन पर दिखाई देती है माँ, सिर्फ मेरे जन्मदिन पर। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा उससे कोई खास रिश्ता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ माँ, और यहाँ खिड़की से नहीं, बाहर जाकर। और मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या है। तुम बाहर जाना चाहती हो? क्यों रैपंज़ेल? तुम हो जैसे नाजुक कोई कली, छोटा सा एक अंकुर अभी भी। मीनार में हम क्यों रहते हैं तुम जानती? जानती हूँ। बिल्कुल सही, तुम्हारी ही भलाई के लिए। मुझको तो इसी दिन का डर था, जब तुम छोड़ के जाओगी मुझे। जल्दी क्या है जान, लेकिन मेरी बात मानो, हम सब जानती है, हम सब जानती है, मानो मेरी बात, खतरा है बाहर की दुनिया में। हम सब जानती है, बुरे हैं हालात, बच के रहना उस दुनिया से। गुंडे, लफंगे, जहरीले पौधे, जंगली जानवर और बीमारियाँ, हाँ, कीड़े और मकोड़े, दानव डरावने। अब बस मुझे और कुछ न कहना। माँ के पास आओ, माँ तुझे संभालेगी, वादा ये करती हूँ मैं। बंद करो ड्रामा, कहती है मामा, हम जानती है। हम सब जानती है, अक्लमंद जो ठहरी, तुम तो हो अभी भी नादा, मैली, कुचैनी, बेफिकर, निराली, अकेली हो जाओगी परेशान, बेवकूफ और भोली, ख्यालों में खोई, लकड़ और थोरी, पगली सी, मुझे लगता है तू हो रही है मोटी। मेरी प्यारी बिटिया रानी, हम माँ है समझदार, ममता से भरी, बस एक यही ख्वाहिश है। रैपंज़ेल, हाँ? दोबारा मीनार से बाहर निकलने की बात मत करना। ठीक है माँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं उससे भी ज्यादा माँ। लेकिन मैं सबसे ज्यादा। भूल न जाना माँ का कहना, हम सब जानती है।
मैं जल्दी आऊंगी मेरी लाडो। मैं यही इंतजार करूंगी। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बुरा है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये नहीं चलेगा। क्या मेरी नाक इतनी टेढ़ी है? क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम्हारी शक्लों का तो जवाब ही नहीं है। ठीक है, सुनो, तुम मुझे ऊपर चढ़ाओ, मैं तुम्हें खींच लूंगा। पहले हमें झोला दे दो। क्या क्या कहा? इतने सालों की यारी दोस्ती और अब भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? वाकई? अब चलो, मुझे हाथ दो चिकने। माफ करना, मेरे हाथ खाली नहीं है। अब वो नहीं बचेगा मैक्सिमस। चल गधे के चाचा, आगे चल। नहीं नहीं, रुक जाओ, वापस करो, वापस करो। हाय मेरी जान।